हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करेंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 4 मई 2020 और 4 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते थे मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो अभी खेलो इंडिया ई पाठशाला का उद्घाटन प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। किरण रिजिजू ये प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं और इन्होंने ही खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसे शुरू किसने किया है, तो इसे SAI ने शुरू किया। SAI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1984 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान है। कौन है, संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया। तो अभी 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व साइकिल दिवस इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने के फायदे समेत पर्यावरण, सेहत और किफ़ायती दामों वाले ट्रांसपोर्टेशन के फायदे के बारे में जागरूकता करना है। और इसे मनाता कौन है, इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और प्रेजेंट टाइम पर यूनाइटेड नेशन के कितने कंट्रीज मेंबर हैं, तो 193 कंट्रीज मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है। तो अभी अनीश कपूर ने हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। ये रहते कहाँ हैं, तो इनका जन्म तो हुआ है इंडिया में पर रहते ये ब्रिटेन में है। कहाँ, ब्रिटेन में। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो थंगजाम धवाली सिंह ये मणिपुर के एक डॉक्टर हैं और इन्हें अभी जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य सरकार को 1832 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो अभी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार सरकार को 1832 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी और अब बिहार को भी 1832 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की एक पहल है और इसका उद्देश्य जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर में नल की कनेक्शन पहुंचाना है। अब ये बिहार को मंजूरी दी है, तो मैप में देखते हैं बिहार। ये है मैप में बिहार जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और बिहार के गवर्नर फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान। बिहार के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार के पड़ोसी राज्य हैं ये है उत्तर प्रदेश, ये है झारखंड, ये है वेस्ट बंगाल और ये है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। तो अभी दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगर अदर ऑप्शन की डिस्कस करें तो रोहित शर्मा को BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था और रानी रामपाल ये महिला हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं और इन्हें हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था और हरमनप्रीत सिंह ये पुरुष हॉकी इंडिया टीम के कैप्टन हैं और इन्हें हॉकी इंडिया ने अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया था।
बात आती है अर्जुन अवार्ड की, तो ये कब से शुरू हुआ था? तो ये 1961 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में गायत्री कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ब्रिटेन। तो मैप में देखते हैं ब्रिटेन कहाँ है। ये है मैप में ब्रिटेन, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन के कैपिटल है लंदन, और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। और ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में कौन सी निजी फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी फंडर बनेगी? तो अभी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन WHO की सबसे बड़ी फंडर बनेगी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी USA ने WHO को फंडिंग करना बंद कर दिया था, और USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से सारे संबंधों को तोड़ने की घोषणा की थी। उसके बाद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये पहली बार है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी WHO की सबसे बड़ी फंडर बनेगी। बात आती है WHO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष टेड्रोस अधानो केवेरियस हैं। कौन है? टेड्रोस अधानो केवेरियस। और भारत को 3 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड में शामिल किया गया है। और इम्पोर्टेंट लाइन है, जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्हें WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और WHO ने CTAP नाम का एक पहल शुरू किया था। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? CTAP की इसकी फुल फॉर्म होती है COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सिस पोल। क्या होती है? COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सिस पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो अभी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। कब हुई थी? 1991 में। और इसमें क्या मिलता है? तो इसमें 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, और एक सर्टिफिकेट मिलता है, और एक मेडल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात आती है पापुआ न्यू गिनी की, तो मैप में देखते हैं पापुआ न्यू गिनी। ये है मैप में पापुआ न्यू गिनी, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको। ये है पापुआ न्यू गिनी, और इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोरिस भी है। क्या है? पोर्ट मोरिस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी सीबी जॉर्ज को फिनलैंड में भारत का नया उच्चायुक्त, भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी मैंने आपको बताया उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर, यहाँ पर है राजदूत यानी कि ब्रांड एम्बेसडर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर उन देशों में नियुक्त किया जाता है जो कभी ना कभी अंग्रेजों के अधिकार में रहा है, और बाकी जो बचते हैं देश उनमें राजदूत नियुक्त किया जाता है। अब ये सीबी जॉर्ज कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो मैप में देखते हैं कुवैत। ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, और कुवैत की करेंसी
कुवैती दिनार है। क्या है? कुवैती दिनार। और कुवैत के पीएम साहब अल खालिद अल साहब हैं। कौन है? साहब अल खालिद अल साहब हैं। और अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो फिनलैंड में भारत का नया राजदूत रवीश कुमार को नियुक्त किया गया है। फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो अभी पंजाब गवर्नमेंट ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये गीत पंजाब ने लॉन्च किया है, तो मैप में देखते हैं पंजाब। ये है मैप में पंजाब, जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको। पंजाब, पंजाब की कैपिटल क्या है? पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और पंजाब के गवर्नर बीपी सिंह बदनौर हैं। कौन है? बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, IIFCL फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी IIFCL का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। IIFCL, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया इन्फोलाइंस फाइनेंस लिमिटेड। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।